यहीं से रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने कल के दोपहर की कार्रवाई साथ में 4% की ऊपरी सर्किट लगते देखे, वहीं फिर शाम क्लोजिंग होते होते सोयाबीन की कीमतों में 6% की ऊपरी सर्किट भी लगते नजर आए थे और जो कीमतें थी वो 5,800 तक जाती नजर आई थी। अब की बात कर रहे हैं तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा 5,916 पर कारोबार कर रहा है, 6,055 का ही लगा चुका है आधे फीसदी की तेजी के साथ। रूपा जी जिस हिसाब से सोयाबीन में एकदम से उछाल देखने को मिला है, आपसे जानना चाहेंगे कि सोयाबीन में जो अचानक से तेजी आई है इसके पीछे के कारण क्या क्या है, छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, और क्या इसमें इस समय निवेश करके चलना सही रहेगा? देखिए जहां तक एडिबल ऑयल पैक के अंदर सोयाबीन की बात है अखिलेश, कल हमने सोयाबीन में एक जबरदस्त तेजी 6% की तेजी आते हुए देखी जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी एक दिन में, और ऐसा भी कुछ कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं हुआ है मार्केट में जिसके चलते इतना बड़ा उछाल जो है वो आता हुआ दिखाई दे। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत कल जरूर बाउंस बैक आते हुए देखा है जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी तेजी बनी है, और ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है कि प्रोडक्शन कम है और ब्राजील के अंदर भी प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा वापस से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से डिमांड फैक्टर जो है वो हावी होता हुआ इन स्तरों पर दिखाई दे रहा है। और जो लोगों ने 11,000 तक के स्तर देखे सोयाबीन के अंदर, उन्होंने वापस से निचले स्तरों पर यूज बाइंग जो है वो मार्केट के अंदर की है जिसकी वजह से वापस से प्राइसेस के अंदर बाउंस बैक आया है। जिनकी 11,000 की बाइंग है उन्होंने अभी भी पोजिशनें होल्ड की हुई है और इन लेवल्स के ऊपर फार्मर्स के पास जो सोयाबीन रखे हैं वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि एक बार फिर से प्रभाव जो है 10-11,000 तक जाएगा। तो अभी जो देखिए टेक्निकल सिनेरियो बन रहा है या फंडामेंटल जो रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं उसके मद्देनजर हमें लगता है कि एक बार सोयाबीन 6,200 तक ऊपर में जा सकता है। जो ये तेजी बनी है ये 6,200 तक इंटैक्ट हो सकती है और नीचे की अगर बात करें तो 5,500-5,600 के आसपास जो है नीचे लुढ़क सकता है। तो ये लेवल्स हैं जिसकी जिसके चलते इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो यानी कि सोयाबीन के जो किसान उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सोयाबीन में तेजी बनती नजर आएगी, तो अब वो उनकी मेहनत जो है होल्ड करने की वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अब जो सोयाबीन की जो डिमांड है और जो कीमतें तेज होती हुई नजर आई है उसका एक असर भारतीय सोयाबीन के बाजार पर भी पड़ता नजर आया है और उसकी का रिफ्लेक्शन हम वह फ्यूचर मार्केट में भी देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं 6,000 के पार जाती नजर आई है और साल के अंत या 2022 के शुरुआत में जो कीमतें हैं वो 6,200 तक भी जाती हुई नजर आ सकती हैं। अभी ऐसे जो बाजार के जानकार हैं हाजिर बाजार में भी अभी ऐसी बात निकल के सामने आ रही है।